नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट में। तो आज पटवारी भर्ती को लेकर जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, वहाँ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो जो फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में जो धोखा हुआ था, आज उसकी सच्चाई है वो सामने आ गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मैं देता रहूँगा। तो आज जो अपडेट आ रही है वो आपको चौंकाने वाली हो सकती है। तो आज जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, पहले तो आप ये एक स्क्रीनशॉट देख ले जिसमें आपको कुछ स्टूडेंटों के मार्क्स नंबर नज़र आ रहे होंगे। जो फोर्थ शिफ्ट के साथ में जो स्टूडेंट है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देखें, एक 9 नंबर पर जो व्यक्ति है रविंद्र कुमार गोद्रा, उसके नंबर रो मार्क्स में तो आ रहे थे 244 नंबर, और जो सेकंड जो स्केल होता है उसके अंदर उसके आ रहे थे 227 नंबर, और फिर उसमें माइनस हुए हैं 17 नंबर। और उसके साथ में जो फोर्थ शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम था, तो इसके जो पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जो प्रक्रिया होती है उससे इसको बाहर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं 27 नंबर इसके जो है माइनस किए गए हैं। इसके साथ ही एक और व्यक्ति है रवि कुमार सोनी, जिसके भी 243 नंबर आते रो के अंदर, उसके बाद में इसके स्कैन के बाद में स्केल जो हारा उसमें 227 आए थे, और उसके बाद में इसके 16 नंबर है माइनस किए गए हैं। और एक और व्यक्ति है जो है वो तनिष्का जो मिश्रा है, उसके साथ भी इसी प्रकार से धोखा हुआ है, उसके 240 नंबर बन रहे थे, और फिर जो स्कैन हुआ था उसके अंदर 224 नंबर बन रहे थे, उसके बाद में उसके जो 16 नंबर है माइनस हुए हैं। और उन तीनों भर्ती जो स्टूडेंट हैं इनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है उससे बाहर कर दिया है। और आज जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है उसके अंदर तो लगभग 15-20 मिनट की आज सुनवाई हुई है, और जो बोर्ड की तरफ से आज जो पैरवी की गई थी वकीलों के द्वारा, उसमें कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई है। फिर वही नई तारीख है मिल गई है, अब जो अगली सुनवाई होने वाली है वह 6 अप्रैल को होगी, और उसके बाद में कुछ फैसला आएगा तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, और इससे पहले भी कोई अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।